पंजाबी सिंगर श्री बराड़ को मिली धमकी। कहा बेड़िया एल्बम आने के बाद कांग्रेसी दिला रहे, अच्छा है अपना जीवन ही खत्म कर लूं। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान किसान एंथम गाने वाले पंजाबी सिंगर श्री बराड़ की नई एल्बम बेड़िया रिलीज होने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। गायक श्री बराड़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव होकर कांग्रेस के नेताओं पर आरोप जड़े हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने कुत्तों बिल्लों से फोन करवाकर उसे जान से मारने की धमकियां दिला रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के नाम लिए बगैर श्री बराड़ का कहना है कि वह बता नहीं सकते कि अपनी जिंदगी में किन किन चीजों को सह रहा हूं, कैसे हालात से गुजर रहा हूं। किसान आंदोलन के दौरान बहुत कुछ देखा और कई गुंडों के फोन आते थे, राजनेताओं से धमकियां मिलती थी जिनसे बचने के लिए पैसे देता हूं। गायक श्री बराड़ ने कहा कि पंजाब के हित में बोलने का उसे यह सिला मिल रहा है, इससे अच्छा वह अपना जीवन ही खत्म कर ले। उन्होंने कहा, जब मैंने बेड़िया गाना निकाला तो उसके बाद भी मुझे बहुत कुछ कहा गया। बराड़ ने कहा कि आप 1000 कलम मेरे खिलाफ चला लो, आपके पास एक ही हल है, आप मुझे किसी से गोली मरवा दो, मैं उस दिन टिक जाऊंगा, नहीं तो अपनी एक कलम से आप सभी की नींद उड़ा कर रखूंगा। मैं पंजाब का दिया खाता हूँ, पंजाब के लोगों को सब पता है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।